समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें सवेरे सवेरे खाने से उठा कर लेके आ रहे हैं और एक ही रात बार बार क्यों लौट रहे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। बोल रहे हो कि हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर वो उर्मिला महादेव मात्रे ही है, हसीना मलिक नहीं है, और ये बात आज वो खुद कबूल करने वाली है सर। हम सब जानते हैं। हाँ सर। ठीक है, बुलाओ ने। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जी बताइए डीएसपी साहब को। क्या? वही जो तुमने हमसे कहा था। क्या कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? कल दारू के अड्डे पे। आपके कहने का मतलब है कि आप दारू के अड्डे पर गए थे? अरे हम दारू के अड्डे पे कुछ नहीं कर रहे थे, आप कर रही थी, आप दारू पी रही थी। कमाल है बुलबुल पांडे, याददाश्त हमारी गई थी और असर आप पर हो रहा है। मतलब अब तो आप चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। आपको अभी भी हम किसी दारू के ठेके पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं क्या? अरे क्या कह रही है आप? काहे झूठ बोल रही हो, काहे फंसा रही हो हमको? सारी झूठ बोल रही है, यही तो मर चुकी है सर। मर चुकी? अरे बुलबुल पांडे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये मर चुकी है तो ये हमारे सामने कौन खड़ा है? उर्मिला महादेव मात्रे। सबूत क्या है? सर सबूत तो ये खुद दे सकती है सर। इन्होंने खुद हमसे कल एग्री किया था, कहा था कि ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्र है सर। पर ये ऐसा करेंगे क्यों? पहले बोलेंगे कि ये उर्मिला महादेव मात्र है, फिर कहेंगे ये हसीना मलिक है, क्यों बोलेंगे ऐसा? अब सर ये तो यही बता सकती है। बताइए काहे आपने हसीना मलिक के मौत के राज को राज ही रखा, काहे ये उर्मिला महादेव मात्र को यहाँ हसीना मलिक बना के स्थापित किया है थाने में? काहे 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 है सर? आप ऐसे कहा देख रहे हैं सर? सर हमरा बात का बिलीव कीजिए, ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्र ही है। डीएसपी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि काम का प्रेशर बुलबुल पांडे जी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए ताकि अपनी साइकेट्रिक हेल्प ले सके और जब ठीक हो जाए फिर आ जाए ड्यूटी पर। सर हमरा विश्वास कीजिए, हम सब जानते हैं अगर इसके बाद कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की और हमें खाने से उठाया तो तुम्हें सरकारी खर्चे दिमागी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। और एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टी लो, उसके बाद आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अबे अब खड़े खड़े दीदे क्या फाड़ रहा है? अब डीएसपी साहब अपना जूता उठाकर तुझे मार मार के घसीट के गंदी नाली में तेरा मुंह डाल के बताएंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेइज्जती हुई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल निकल यहां से। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो? बे नैनसुख, दरवाजा इधर है, उधर क्या देख रहा है? चल। पुष्पा जी रिलैक्स, आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट था। नहीं मैडम सर, हम गिरे उस पे ऐसे, अगर हमारे वजह से उसे कुछ हो गया तो मिरेकल नहीं। मिरेकल, मिरेकल। क्या 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 हुआ? आप जिस मरीज से टकराई थी ना, उन्हें 30 साल बाद होश आया है। 30 साल बाद? मतलब? मैडम 30 साल पहले इनका कोई पेंडिंग केस था जो कभी सॉरी नहीं हुआ, उसी सदमे में ये 30 साल कोमा में थे जो अभी उठे हैं। कौन सा पेंडिंग केस? शेर की चोरी। क्या? शेर की चोरी? अर्ज किया है, मेरे महबूब का दिल यूं ही मुंतसिर नहीं, खुश नसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। मैडम सर, पर ये हमारी तरफ देखकर शेर क्यों कह रहे हैं? पुष्पा जी, दुनिया में हर कोई आपको नहीं छेड़ रहा। ये और ऐसी कई हसीन शायरी चुरा ली उसने, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत,
दोनों छीन ली। किसने किसने चोरी किया ये? राशिद इकबाल। करिका छोड़ हमको, पहले ही बॉल पे आउट नहीं होना है, टेस्ट खेलना है। क्या करे, गरिया दे रहे हैं हमको। हिट करो उनको, बाउंड्री के पार पहुंचो। तो जाओ, आशीर्वाद है, निकलो, है ना सब लिखा हुआ, जाओ। मेरी बदौलत, मेरी, वो ये राशिद इकबाल से शायर राशिद हो गया। सब कुछ छीन लिया उसने, मेरा मेरा कागज, मेरी कलम, मेरी डायरी, वो शायरी जो मैंने शहनाज शहनाज। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, इतने सालों से आप कोमा में थे तो आपके शरीर में कमजोरी हो गई है ना। हाँ, तो अपने आप को संभालिए और आराम से शांति से बताइए आगे क्या हुआ। शहनाज का घर राशिद के घर से लग के था, बहुत प्यार करता था मैं शहनाज से, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, प्यार तो करते हैं मगर बताते नहीं। आप आगे बोलिए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शहनाज से अपने दिल की बात करने की सोची। दिले बया पूरे शिद्दत से पन्ने पे उतारा, कुछ शेर एक नगमा और मेरा दिल है, निकाल कर कागज के पन्नों में रख कर चूम के वो राशिद से इल्तिजा की कि जाके मेरे शहनाज को मेरे प्यार का पैगाम दे दें। वो कमबख्त पैगाम तो दिया पर मेरा नाम छुपा दिया और खुद का नाम डाल दिया। मेरी भोली शन्नो उस धोखेबाज की बातों से मुतासिर हो गई और दोनों ने क्या शादी कर ली। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी दुखी क्यों हो गई हैं? मैडम सर, अब्दुल जी की बातें सुनकर हमें लल्ला के पापा की याद आई। वो ना हमें हमेशा प्यार भरे खत लिखते थे, मगर किसी दूसरे की शायरी चुरा कर कभी उन्होंने हमें खत में नहीं लिखा। पर किसी ने तो इनकी शायरी चुराई। अब्दुल जी, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये हमारा आपसे वादा है, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्या ऐसा दीदे फाड़ के का देख रहे हो बे? हाँ, वाह 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 वाह, गालियों के बाजार से काफियों का बौछार, ये देख ये आवाम भौचक्का हो गई। हाँ, वो जो गोलियां और जो गालियां है ना, वो बिल्ले तुम्हारे जैसे जो टोपा लोगों के लिए, समझे? अरे इतने बड़े शायर हैं, सब कायल हैं उनके, सब दीवाने हैं, हम भी दीवाने हैं क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा जी, पूरी दुनिया में उनके फैन है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।